हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हाइडर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। एग्जाम की वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो ना बना पाया, बट अब आ गया हूँ वापस और अब कंटिन्यू आप सबके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। आप सब इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। मैं आज आप सबको इस वीडियो में हमारे इस खूबसूरत ग्रह पृथ्वी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। आप सब पूरी वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहो। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तभी तो हम और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारी पृथ्वी वास्तव में एक खूबसूरत जीवनदायिनी ग्रह है। तो मैं कंटिन्यू सीरियल से पृथ्वी के बारे में आपको जानने योग्य फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था और पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर लगभग 4 अरब वर्ष पहले जीवन का अस्तित्व आरंभ हुआ। 3,959 मील की त्रिज्या के साथ पृथ्वी हमारे सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 70% से अधिक जल की उपस्थिति है। पृथ्वी का कोर लगभग 85 से 88% आयरन से बना हुआ है। इसकी परत पर लगभग 47% ऑक्सीजन है। आंतरिक निकल आयरन कोर की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के पास एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी पर भारी सौर हवाओं को बहने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर होने वाले हादसों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी हादसे पृथ्वी के स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के कारण होते हैं। पृथ्वी पर समुद्रों में आने वाला ज्वारभाटा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी पर मौजूद महासागरों में से 95% से अधिक महासागर आज भी इंसानों की पहुंच से दूर है। पृथ्वी के आंतरिक कोर का तापमान 5,400 से 6,000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसका एकमात्र उदाहरण पृथ्वी के आंतरिक कोर से ज्वालामुखी के बाहर निकलने का है। पृथ्वी मुख्यतः तीन परतों से बनी हुई है। सबसे मोटी परत मेटल, जो कि 2,900 किलोमीटर मोटी है, और सबसे पतली परत क्रस्ट, जो पृथ्वी के सतह से औसतन 30 किलोमीटर की गहराई पर है, और लास्ट है कोर। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन और इसकी सतह पर तरल पानी पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन पर परत पाई जाती है जो इसे सूर्य की शक्तिशाली और हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। पृथ्वी के सतह का औसत तापमान मिनिमम -88 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 58 डिग्री सेल्सियस है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह जैसी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित 70% पानी का 97% पानी खारा है। इसका मतलब ये सिर्फ 3% पानी ही पीने योग्य है। इस 3% पानी का 2% से अधिक बर्फ की परतों तथा ग्लेशियरों में रहता है, जिसका अर्थ है 1% से अधिक कम पानी झीलों और नदियों में है। इसीलिए तो कहते हैं सेव द वाटर। तो दोस्तों, मैंने आप सबको हमारी पृथ्वी से रिलेटेड कुछ जानने योग्य इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया। अगर वीडियो पसंद आए और कुछ नया जानने को मिला तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आती रहे। थैंक्स ऑल फ्रेंड फॉर वॉचिंग।